तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैं गोवा पहुंच चुका था और उसके बाद हम लोग जा चुके थे अपने एयरबीएनबी में। तो रेस्ट करने के बाद शाम को हम निकल चुके थे क्रूज के लिए, जो क्रूज खुद दुर्गेश भाई की थी। हाय गाइस, और हम और दुर्गेश रेडी हैं आज क्रूज में जाने के लिए। कितने बजे से क्रूज है? 9 बजे। 9 बजे से क्रूज है और आने के बाद हम लोग इतना थक गए थे कि सो गए थे, और अभी जाके शाम के 7 या 7:30 बज रहे हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ पर चलती है गोवा माइल्स, तो उस वहाँ से मंगाया गाड़ी क्योंकि यहाँ पर उबर और ओला चलता नहीं है। तो बस अब चलते हैं वहाँ पर डॉक पर और वहाँ से फिर देखते हैं आगे का प्रोग्राम क्या है और आपको भी दिखाते हैं। और पंजिम के इस रोड पर लाइन से आपको कैसीनो मिल जाएंगे, जिसमें से एक है कैसीनो प्राइड, जिसमें मैं बाद में गया और आपको मैं ये आगे की वीडियो में दिखाऊंगा। भाई भाई, यूट्यूब की जनता तुमको पूछ रही कि कहां पर आए हम लोग। इस समय पर हम लोग आए हुए हैं, ये जेटी है गोवा का। यहां से जो नाइट क्रूजेस होते हैं, जिन पर पार्टीज होती है, वो यहाँ पे डॉक करती हैं, यहाँ से लोग जाते हैं। तो ऐसे ही हम आए हुए हैं यहाँ पर, अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। 1 घंटे के बाद हमारी भी क्रूज है, तो हमने सोचा थोड़ा पहले ही चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को। मैं तो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका हूँ बहुत बार, तो नथिंग न्यू, बट ठीक है, एक्साइटमेंट तो होता है हर बार ही, क्योंकि ऑलरेडी कोरोना की वजह से 12-13 महीने कहीं। अच्छा, वो सब छोड़, बहुत लेक्चर दिया, गर्लफ्रेंड को मिस कर रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है भाई। क्रूज पे आने पर मिलता है एक बैंड जो कि यहाँ हाथ पहनते हैं, लेकिन हम लोग को नहीं मिला क्योंकि ये क्रूज ही है दुर्गेश भाई का स्वैग लाइफ। What do you think of the God? There are washrooms on every deck, you know, deck pe washroom hai, upar wala deck pe, left hand side pe, beach wala deck pe, right hand side pe, bottom wala deck pe, dono side mein. There will be the first. तो अपने ही क्रूज शिप में लेडीज टॉयलेट बंद हो गए थे दुर्गेश भाई। क्या करने गए थे? हो जाता है कभी कभी ये, वो मैं एक्चुअली फोन पे बात कर रहा था, वो बात करते करते मैं घुस गया, मेरा ध्यान नहीं गया। वो लेडीज से बात करते थे, लेडीज टॉयलेट में घुस गए। अरे लेडीज से बात नहीं कर रहा था, पापा से बात कर रहा था, इसीलिए। वैसे तो यहाँ सर्व होता है, लेकिन आज सर्व कर रहे हैं दुर्गेश भाई। और क्या दुर्गेश? ये क्या है यार? लो लो, थोड़ा चिकन भी सर्व करना। तो अगर आप एक कपल हैं या फिर आप अपने दोस्तों के साथ गोवा आए हैं, तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है इस क्रूज़ पर आना। और इस क्रूज़ की खासियत ये भी है कि ये ट्रिपल डेक है, तो अगर आप चाहें तो इस क्रूज़ पर आ सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा।
काफ़ी एक बढ़िया सा टूर खत्म हो गया और डिनर भी किया, काफ़ी अच्छा सर्व किया डिनर इन्होंने। तो ये क्रूज शिप था दुर्गेश भाई का हमारे। तो दुर्गेश भाई तुम कुछ बोलना चाहोगे जितने भी लोग यूट्यूब देख रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बोलना चाहूँगा। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल का एक सेगमेंट होता है क्रूज़ करना। तो जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लॉन्ग क्रूजेस पे नहीं जा सकते, जैसे कि जो 3 नाइट्स 4 नाइट्स की होती हैं, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप जब भी गोवा में आएँ तो यहाँ पर ऐसे क्रूजेस हैं जो 2 आवर्स 3 आवर्स के लिए क्रूज करते हैं सी में, जैसा कि आज के वीडियो में हमने देखा है, वीडियो में आप लोगों ने देखा। तो ये हमारा क्रूज है और बाकी मैं इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा बिल्कुल। और अगर आप चीपेस्ट डील चाहते हैं इस क्रूज के लिए तो आप डी के राजन ट्रेवल्स विजिट कर सकते हैं dkrajantravels.com, और अगर आप वहाँ से बुकिंग करेंगे तो आपको एक डेफिनेटली बहुत अच्छी डील मिलेगी, नॉट ओनली फॉर क्रूजेस, बाकी सब चीज़, बाकी सारी चीज़ें के लिए। तो ये जो मेरा गोवा टूर है ये मैं ज़्यादा प्लानिंग कुछ किया नहीं, जैसे मैं करता हूँ दुबई में या जहाँ पे भी मैंने ट्रैवलिंग किया है तो मैं खुद प्लान करता, इस बार मैंने छोड़ दिया है, चिल होकर अपना कर रहे हैं। मैं हूँ ना भाई, टेंशन क्यों लेना है। हाँ वही चीज़। तो फिर इसी की वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, और अगर कुछ होगा आगे तो वीडियो में ऐड कर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।